हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर को देखते थे तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी बुरी खबर है। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फेवरेट सीरियल पांड्या स्टोर बंद हो चुका है। स्टार प्लस ने इसको बंद कर दिया है। आज ही इस शो का लास्ट एपिसोड आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस न्यूज को सुनने के बाद पांड्या स्टोर के जितने भी फैंस है वो बहुत ही ज्यादा निराश है। तो आखिर पांड्या स्टोर शो को क्यों बंद किया गया, चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, और अभी तक ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सिलेक्ट कर दीजिए। आपको आगे भी इस चैनल पर टीवी शो से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलती रहेगी। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पांड्या स्टोर सीरियल को 25 जनवरी 2021 को स्टार्ट किया गया था और इसका लास्ट एपिसोड आज यानी कि 26 मई 2024 को आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टार प्लस पर यह शो 3 सालों से ज्यादा चला और इस बीच इस शो ने टोटल 1137 एपिसोड कंप्लीट किए। हॉट स्टार पर पांड्या स्टोर का 1137 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, अब आप लोगों को स्टार प्लस पर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसके बाद आप लोगों को पांड्या स्टोर शो का कोई भी एपिसोड देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि शो बंद हो चुका है। पांड्या स्टोर शो के बंद हो जाने से सिर्फ फैंस ही दुखी नहीं है, इस शो के जितने भी एक्टर्स है वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी है। वो लोग भी सेट पर इमोशनल दिखे लास्ट एपिसोड के शूट के दिन, तो वो लोग भी बहुत ही ज्यादा निराश है। वो लोग भी नहीं चाहते थे कि पांड्या स्टोर शो को बंद किया जाए, लेकिन दोस्तों स्टार प्लस ने पांड्या स्टोर शो को बंद कर दिया। और दोस्तों, अगर शो के बंद होने की रीजन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है इस शो को लो टीआरपी की वजह से ऑफ एयर किया गया है। हालांकि दोस्तों, पांड्या स्टोर शो की टीआरपी बुरी नहीं आ रही थी, 1.2-1.3 टीआरपी आ रही थी पांड्या स्टोर शो की। इतने टीआरपी में शो को कंटिन्यू किया जा सकता था, लेकिन दोस्तों स्टार प्लस बहुत ही बड़ा चैनल है, उसको 1.2-1.3 टीआरपी बहुत ही ज्यादा कम लगती है, जिसके कारण ही वो शो को ऑफ एयर कर दिया। इससे पहले भी स्टार प्लस इमली शो को बंद किया है, उस शो का भी लास्ट वीक का टीआरपी 1.3 आया था। स्टार प्लस के मुकाबले आप लोग किसी दूसरे चैनल को देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 1.2-1.3 टीआरपी में कोई भी चैनल अपने पॉपुलर शो को ऑफ एयर नहीं करता। जैसे कि दोस्तों, आप लोग सोनी सब को ही देख सकते हैं, सोनी सब के पॉपुलर शो तारक मेहता की उल्टा चश्मा की टीआरपी इस वक्त 1.2-1.3-1.4 आ रही है, लेकिन फिर भी सोनी सब उसको ऑफेयर नहीं कर रहा है और सोनी सब उसको ऑफेयर करेगा भी नहीं। स्टार प्लस अपने शो की टीआरपी 1.5 से ऊपर ही चाहता है, 2.0 के करीब आनी चाहिए, तभी स्टार प्लस किसी भी शो को कंटिन्यू करता है, नहीं तो उसको ऑफेयर कर देता है। बाकी बात दोस्तों, अगर इसके सीजन 2 की बात करें तो दोस्तों आप लोगों को इसका सीजन 2 देखने को मिल सकता है, अगर दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करते हैं पांड्या स्टोर सीजन 2 को लेकर। बाकी बात इससे रिलेटेड जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग पांड्या स्टोर शो के बंद हो जाने के बाद इसे कितना ज्यादा मिस करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।